मैं समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँ। हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आरएसएस और वीएचपी द्वारा आमंत्रित किए जाने पर धन्यवाद जताया। उन्होंने कहा कि चूंकि ऐसे ऐतिहासिक समारोह का हिस्सा बनने का मौका जीवन में कभी कभी ही मिलता है, ऐसे में एक सनातनी होने के नाते वह इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बाध्य है। जहां एक तरफ कांग्रेस अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बॉयकॉट कर रही है, वहीं इस बीच विक्रमादित्य सिंह की ये प्रतिक्रिया आई है जो पार्टी लाइन से बिल्कुल हटकर है। देखिए, ये जैसा मैंने पहले कहा, ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है और मैं समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे, उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है। और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूँगा। इसके लिए मैं निमंत्रण देने वाले सभी संस्थाओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।